हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड के बारे में। और जैसा कि दोस्तों हम लोग चार्ट में देख रहे हैं कि ये 18 अगस्त से इस स्टॉक में काफ़ी हलचल होता हुआ हम लोग पा रहे हैं और 18 अगस्त को ये लगभग 1900 रुपये के भाव पर ट्रेड कर रहा था। और जैसा कि हम लोग दोस्तों देख रहे हैं वर्तमान में यह लगभग 2700 रुपये के आसपास पहुंच चुका है, तो इसमें काफ़ी तेजी बन चुकी है पिछले एक महीना से भी कम समय में। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कारण है कि ब्लू डार्ट एक्सप्रेस के शेयर भाव इतने जल्दी जल्दी और इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। क्या इसके फंडामेंटल्स में कुछ सुधार आया है या इसमें कुछ बहुत बड़ा रिजल्ट में कुछ चेंजिंग आया है या इसके बिजनेस प्रोस्पेक्ट समय के साथ बदल रहे हैं, इन सारी बातों पर हम लोग चर्चा करते हुए इसके फंडामेंटल से इसके जो शेयर भाव में उछाल आ रहा है उसको मिलाने की कोशिश करेंगे। और हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे इस पूरे वीडियो में कि क्या जिस तरह के उछाल पिछले कुछ दिनों से ब्लू डार्ट एक्सप्रेस में देखने को मिल रहे हैं उसके कुछ जेन्युइन कारण है या ये एक मात्र स्पेकुलेशन मात्र है, इन सारी बातों पर हम लोग आज चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ब्लू डार्ट कुरियर के रिटर्न को देख लेते हैं कि पिछले 10 सालों में ये किस प्रकार का रिटर्न अपने निवेशकों को दी है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग देख रहे हैं, पिछले एक सप्ताह में इसने अपने निवेशकों को 20% का तगड़ा रिटर्न दिया है। पिछले एक महीना में ये 32% का रिटर्न दिया है। ईयर टू डेट ये 20% का रिटर्न दे चुकी है। पिछले एक साल में ये 19% का रिटर्न दिया। पिछले तीन साल में निगेटिव 38% का रिटर्न दिया। पिछले पाँच साल में 63% का निगेटिव रिटर्न दिया है। और पिछले 10 सालों में ये मात्र 118% का रिटर्न दिया है। यानी कि ये कंपनी पिछले 10 सालों में अपने निवेशकों का पैसा मात्र 2 गुना कर पाने में सफल रही है। तो दोस्तों, इस प्रकार के रिटर्न से हम लोग ये तो नहीं कह सकते हैं कि ब्लू डार्ट निवेश के मामले में निवेशकों का हित का ध्यान में रखते हुए काफ़ी अच्छा रिटर्न दिए, ऐसा इसके रिटर्न को देखने से ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा है। तो अब चलिए दोस्तों, अब हम लोग ये जानेंगे कि इसमें अगर तेजी आई है तो बड़े निवेशकों का ब्लू डार्ट एक्सप्रेस में किस प्रकार का इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को हम लोग चेक करते हैं। दोस्तों, अगर हम लोग FIs होल्डिंग की बात करें तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि FIs की होल्डिंग ब्लू डार्ट एक्सप्रेस में लगातार गिरती हुई देखने को मिल रही है। और अगर हम लोग DIs की होल्डिंग की बात करें तो DIs की भी होल्डिंग लगातार इसमें गिरती हुई पाई गई है। हालांकि दिसंबर क्वार्टर के बाद से मार्च क्वार्टर, जून क्वार्टर में DIs ने अपना स्टैक जो है इसमें हल्का सा बढ़ा करके 1.8 से 3.1% कर दिया है। लेकिन कुल मिलाकर के दोस्तों, अगर हम लोग इसके हिस्टोरिकल होल्डिंग को देखें FIs और DIs की, तो हिस्टोरिकल होल्डिंग जो हुआ करता था इस स्टॉक में वो लगभग 10% के आसपास हुआ करता था DIs प्लस FIs की होल्डिंग। लेकिन अभी वर्तमान में यह लगभग 5% के आसपास देखने को मिल रहा है। इस प्रकार से दोस्तों, बड़े निवेशकों का रुझान इसमें अभी भी बहुत ज़्यादा होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि कभी इसमें 10% होल्डिंग देखने को मिल रहा था, अभी 5% मिल रहा है। और अगर हम लोग FIs की संख्या की बात करें तो FIs की संख्या भी इसमें लगातार गिर रही है। और म्यूचुअल फंड वाले भी इसमें म्यूचुअल फंड वालों की भी संख्या इसमें गिर रही है। तो इस प्रकार से बड़े निवेशकों का इस स्टॉक में रुझान कोई तगड़ा देखने को नहीं मिल रहा है। इस वजह से दोस्तों, हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि इसके फंडामेंटल्स अभी उतने बेहतरीन नहीं होंगे। इस वजह से जो है बड़े निवेशक इसमें बुलिश होते हुए नहीं दिख रहे हैं। अब चलिए दोस्तों, हम लोग अपने स्तर से भी इसके फंडामेंटल्स को चेक करते हैं कि आखिर ये कंपनी के फंडामेंटल्स किस प्रकार के हैं। कुरियर सेक्टर में लिस्टेड कंपनियों में 3 कंपनियां हैं, जिसमें ब्लू डार्ट है, गति है, कॉरपोरेट कुरियर है। और इनके पीयर्स कंपैरिजन में अगर देखें तो ब्लू डार्ट एक नंबर पर आती है
और इसका मार्केट कैप लगभग 6,200 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। और अगर इसके रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये काफ़ी कम, 0.29 देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13.14 देखने को मिल रहा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निगेटिव है और डेट इक्विटी भी 1 से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से इसके जो फंडामेंटल्स ओवरव्यू हैं वो बेहद ही खराब देखने को मिल रहे हैं। और जिस प्रकार से इनके प्राइस में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है कुछ दिनों से, वो इसके फंडामेंटल ओवरव्यू इस प्राइस एप्रिसिएशन को सपोर्ट करते हुए नहीं पाए जा रहे हैं। फिर भी दोस्तों अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि इनका एनुअल रिजल्ट किस प्रकार का रहा है, उसके बाद फिर अगर उसमें कुछ सुधार देखने को मिलेगा तो हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट को भी मिलाएंगे कि आखिर इतना जो उछाल देखने को मिल रहा है कहीं इनके फंडामेंटल तो चेंज नहीं हो रहे हैं। दोस्तों स्क्रीन पर हम लोग ब्लू डार्ट एक्सप्रेस के एनुअल रिजल्ट को देख रहे हैं और जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों कि समय के साथ जो है इनके सेल्स ग्रोथ काफी अच्छे रहे हैं। और अगर सेम पीरियड में दोस्तों नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी ये कंपनी समय के साथ काफी अच्छा मेंटेन की हुई थी। हालांकि मार्च 2019 से इनके नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली और मार्च 2020 में इस कंपनी ने लॉस बुक किया है 42 करोड़ का। तो इस प्रकार से दोस्तों ये कंपनी बिजनेस बढ़ाने में तो सफल रही है लेकिन नेट प्रॉफिट के फ्रंट पर ये लॉस में आ गई है। इस वजह से लगातार इसके शेयर में गिरावट देखने को मिल रही थी। अब चूंकि उछाल आया है दोस्तों तो एनुअल रिजल्ट के हिसाब से तो ये कंपनी लॉस में गई है, तो एनुअल रिजल्ट के हिसाब से इसमें कहीं भी फंडामेंटल में चेंज होता हुआ नहीं दिख रहा है, बल्कि फंडामेंटल्स और खराब ही हुए हैं। अब चलिए दोस्तों क्वार्टरली बेसिस पर देख लेते हैं, हो सकता है कि जून क्वार्टर में ये कंपनी प्रॉफिट में आई हो उस वजह से उछाल देखने को मिल रहा है। तो जून क्वार्टर के रिजल्ट को भी हम लोग चेक कर लेते हैं। स्क्रीन पर दोस्तों हम लोग ब्लू डार्ट एक्सप्रेस के क्वार्टरली रिजल्ट को देख रहे हैं और जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों कि जून क्वार्टर में ये कंपनी 126 करोड़ का लॉस बुक की है और इसके पहले मार्च क्वार्टर में भी ये 31 करोड़ का लॉस बुक की थी और दिसंबर क्वार्टर में भी ये कंपनी 32 करोड़ का लॉस बुक की थी। तो हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि दिसंबर क्वार्टर से लगातार ये कंपनी लॉस बुक कर रही है जो कि बेहद ही खराब बात है दोस्तों। और जिस तरह से इसके शेयर भाव में उछाल देखने को मिल रहा है, इसके फंडामेंटल्स ना ही क्वार्टरली बेसिस पर ना ही एनुअल बेसिस पर सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हम लोग दोस्तों अपने स्तर पर जो छानबीन किए हैं अभी तक उससे ये पता चल रहा है कि जो ब्लू डार्ट एक्सप्रेस के जो शेयर भाव में उछाल देखने को मिल रहा है वो फंडामेंटल में किसी भी प्रकार के बदलाव के कारण देखने को नहीं मिल रहा है। इस वजह से दोस्तों इसके जो अपवर्ड मूव है उसको हम लोग स्पेकुलेटिव मूव मान सकते हैं या ये माने कि बाजार ये मान के चल रहा है कि कोरोना वायरस के चलते जो सोशल डिस्टेंसिंग और विभिन्न तरह की बातें हम लोगों के सामने आई है उस समय ऑनलाइन बिजनेस ग्रो कर रहा है और इससे जो कुरियर कंपनी वालों का बिजनेस बढ़ता हुआ दिखेगा ऐसा बाजार अनुमान लगा रहा है। और इस वजह से चूंकि शेयर काफी न्यूनतम स्तर पर ट्रेड कर रहा था तो वहां से इसमें कैचअप रैली देखने को मिल रही है। हालांकि फंडामेंटल से इसको अभी तक सपोर्ट करते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो दोस्तों मेरे विचार से इस प्रकार के अपमूव से छोटे निवेशकों को दूर रहना चाहिए क्योंकि फंडामेंटल्स इस कंपनी के अभी भी अच्छे होते हुए नहीं दिख रहे हैं। जब अच्छा होगा इनका फंडामेंटल उस समय हम लोग विचार करेंगे कि ब्लू डार्ट कुरियर में हम लोग इन्वेस्टमेंट की राय बनाएं या ना बनाएं। और चूंकि वर्तमान में बाजार अभी उच्चतम स्तरों पर चल रहा है तो इसमें पूरी चांसेस है कि अगर इसके तेजी को देखते हुए अगर हम लोग उत्साहित होकर के ब्लू डार्ट में अगर अपना पोजीशन बनाते हैं और इस बीच में मार्केट करेक्शन ले लेता है तो इसके फंडामेंटल्स बेहद ही कमजोर हैं, उस परिस्थिति में इसमें काफी तेज गिरावट देखने को मिल सकती है और हम छोटे निवेशक इसमें फंस सकते हैं। तो मेरी राय में दोस्तों इस प्रकार के तेजी से हम लोगों को दूरी बनाए रखना चाहिए। बाकी पैसा आपका है दोस्तों, आप खुद भी निर्णय ले सकते हैं, ये मेरा पर्सनल व्यू है, आप अपना व्यू खुद बनाएं। तो दोस्तों अभी तक मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद। आपके लिए मैं छोटी छोटी जानकारियां लेकर के आता रहता हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे फटाफट सब्सक्राइब कर लें
और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप इसे जरूर लाइक और शेयर भी करें। और दोस्तों, आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।